हिमाचल के ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत फारिया में पोंग बांध विस्थापितों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पोंग बांध विस्थापित बहुउद्देश्य सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर रघुवीर सिंह लालिया ने की। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 नवंबर को राजा का तालाब DCR&R पोंग बांध विस्थापित बहुउद्देश्य मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी अवस्थी आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसमें काफी संख्या में लोग उनके साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पोंग बांध विस्थापितों को आज 47 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पोंग बांध विस्थापितों के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, कमाने को नौकरी नहीं। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। सब वोटों की राजनीति करते हैं, गरीबों के हक के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि जो पोंग बांध विस्थापित बांध किनारे फसल उगाते थे, उसे भी पोंग बांध प्रशासन ने बंद करवा दिया है। उन्होंने कहा कि राजा का तालाब DCR&R कार्यालयों में अश्विनी अवस्थी के साथ सभी लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवार प्रशासन व सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पोंग बांध विस्थापितों के हक के लिए फैसले दिए, लेकिन उन पर आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रदेश जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पोंग बांध विस्थापितों का हक दिलाया जाए, उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, नहीं तो हम विवश होकर पोंग बांध का पानी रोक देंगे जो राजस्थान के लिए जाता है। इसके जिम्मेवारी पोंग बांध विस्थापितों की नहीं होगी, सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मुद्दा ये है कि 47 वर्ष हो गए हम पोंग बांध विस्थापित जो है उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है आज तक, और इसके लिए कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हम पोंग बांध विस्थापित गए, परंतु जो फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किए हैं अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। और इसी एवज में लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना उनके पास जमीन भूमि है, राजस्थान में वैसे अलॉटमेंट आज तक नहीं हुई है, और यहाँ पर हिमाचल में थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी जो लोग करते थे वो पोंग बांध अथॉरिटीज़ ने उसे भी रोक दिया है, जिससे वो मरने के कगार पर आ गए हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल है। और इन लोगों को हिमाचल सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही, तो ये सरकारों का ये कर्तव्य बनता है, केंद्र सरकार का भी और राजस्थान और हिमाचल सरकार का, कि इनकी दशा सुधारने में वो सहयोग दें और इन्हें मुरब्बे जो हैं अलॉट करें, जिससे इन्हें न्याय प्राप्त हो सके। एवज में सरकारों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों को चेताने के लिए 28/11/2019 में अश्विनी कुमार अवस्थी मैनेजिंग डायरेक्टर पोंग बांध विस्थापित मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो मरण वर्त पर बैठ रहे हैं। हम सभी पोंग बांध विस्थापित जो हैं उनके मरण वर्त का हम समर्थन करते हैं, और यदि उनको कुछ हो गया, उनकी अवस्था बिगड़ गई, तो हम मजबूर होंगे पोंग बांध जो है उसके पानी को रोकने के लिए भी, और कोई भी हमें जो एक्शन जो है उसके लिए हम आजाद होंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।